हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीके स्टडी परफा। तो ये दोस्तों, आपको पता है कि रेशियो क्लास चल रहा था, और रेशियो का क्लास चल रहा था, रेशियो का पाँचवें नंबर क्लास है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन कराता हूँ एकदम बेसिक से लेकर हाई तक क्वेश्चन कराता हूँ, एकदम मैं प्रतिदिन कुछ नया कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए ट्रिक के साथ क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही आज कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए ट्रिक के साथ और नए क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो ये भी किसी एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंदर देखते रहिए, आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। पिछला आप अगर वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछता है और देखिए पेपर उठा के आप ऐसे क्वेश्चन पूछा, ध्यान देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है किसी धनराज को रागिनी साधना और श्वेता के बीच चार संबंधित, तीन संबंधित, छह के अनुपात में क्रमशः बांटा जाना है। साधना का हिस्सा कितना है दोस्तों? तो 750 रुपया है। तो श्वेता को रागिनी से कितने रुपये अधिक मिलेंगे? श्वेता को रागिनी से कितने रुपये अधिक मिलेंगे? तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले तो लास्ट वाले में चले आइए, लास्ट स्टेप में आइए। देखिए यहाँ पे कह रहा है श्वेता को रागिनी से कितने रुपये अधिक मिलेंगे, किसको किससे कह रहा है? तो श्वेता को कह रहा है किससे? रागिनी से। अब इन दोनों का अनुपात क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे देखेंगे रागिनी फर्स्ट नंबर पर, श्वेता थर्ड नंबर पर है। तो फर्स्ट नंबर पर अनुपात में रागिनी हो जाएगी और थर्ड नंबर पर श्वेता हो जाएगी। ये कन्फर्म हो गया, फर्स्ट नंबर पर अनुपात में रागिनी हो जाएगी और थर्ड नंबर पर श्वेता हो जाएगी। तो इन दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए। मैं अभी बताया दोस्तों, जब अधिक आता है, कितना अधिक है या अंतर क्या है, तो माइनस करते हैं। सिक्स माइनस रागिनी का क्या है? फोर है, तो फोर कर दीजिए। अब नीचे क्या लिखना है ध्यान रखिएगा। तो नीचे आपको लिखना है कि साधना का हिस्सा, जिसका हिस्सा दिया रहा था उसका अनुपात नीचे लिख देते हैं। साधना का हिस्सा क्या है? 750 है, तो साधना का अनुपात क्या है? थ्री है, थ्री लिख दीजिए। अब इंटू कर दीजिए, इंटू आप कर देंगे किसे? 750 से। 750 से जब आप इंटू करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, छः में से दो, चार या दो बचेगा ऊपर और नीचे आपका आ जाएगा थ्री इंटू 750। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा तीन दूना छः, तीन पचे पंद्रह, पच्चीस से आप 75 होता है और 25 दूना 50 होता है। 500 रुपया जो है दोस्तों वो श्वेता को रागिनी से कितने रुपये अधिक मिलेंगे? तो 500 रुपये श्वेता को रागिनी से मिलेंगे अधिक। ओके, समझ में आया होगा। देखिए एक बार और देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या करते हैं। तो क्वेश्चन आप पहले पढ़ लेते हैं, श्वेता को रागिनी से कितने रुपये अधिक मिले, लास्ट वाले में जाइए। अब देखिए किसको किससे कह रहा है, उनका अनुपात में जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं। पहला स्टेप आप ये क्लियर करेंगे तो आपका अंश मिल जाएगा। हर के लिए आप क्या करेंगे? तो हर के लिए आप वही करते हैं कि जिसका हिस्सा दे दिया रहता है उसका अनुपात आप हर में लिख देते हैं। तो साधना का हिस्सा दिया है, साधना का अनुपात थ्री है, तो उसको हर में लिख दीजिए। और साधना का हिस्सा भी दिया है 750, उसको माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे 750 आ जाएगा। छः में से चार जाएगा दो हो जाएगा, थ्री से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 दूना 50 500 रुपया। तो योग क्या आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। तो ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान देखिए क्या कर रहा है, अभी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है यदि 24 की ग्रह तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्र धातु में तांबे तथा जिंक का अनुपात क्या हो जाए दोस्तों? 9:4 हो जाए। इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, तो जिंक की मात्रा पूछ रहा है ना, जिंक पिघलाया जाए तो जिंक की मात्रा पूछ रहा है। तो जिंक की मात्रा के लिए, जिंक की मात्रा के लिए क्या करेंगे दोस्तों? अब आपको ही बताया था कि जिंक के जब जिसका पूछे उसका मान पहले रखते हैं। तो यहाँ पे ना फोर है जिंक का, ना मिश्र धातु में तांबा पहले है तो फोर जिंक है, तो जिंक का अनुपात में फोर आ जाएगा फोर। और नीचे क्या कह रहा है, मिश्र धातु में तांबे था जिंक का अनुपात इतना हो जाए। तो कितना? 24 की ग्रह तांबे के साथ। अब किसके साथ कर रहा है? तो तांबे के साथ। तांबे का जो, तांबे का जो भार दिया वो कितना दिया है? 24 की ग्रह। किसका भार दिया? तांबे का दिया। और किसका पूछ रहा है? तो जिंक का पूछ रहा है। तो जिंक का पूछ रहा है तो जिंक को आप पहले रख दीजिएगा। अब बच्चा क्या, तांबे का भार दे दिया तो तांबे को नीचे रख दीजिएगा। नाइन, तांबे का अनुपात नाइन है और तांबे का नाइन है। और कितना के जी तांबे का दिया दोस्तों? तो 24 के जी दिया है। 24 आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखिए एक बार और क्या करते हैं, जिंक का अनुपात दे दिया है, तांबे और जिंक का अनुपात 9:4 दे दिया है, ठीक है, 9:4 हो जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे क्या कह रहा है कि 24 के जी तांबे के साथ, किसके साथ? तो 24 के जी तांबे के साथ क्या मिलाया जाता है? तो जिंक को पिघलाया जाए। तो जिंक की मात्रा क्या होगी, यही पूछा ना, जिंक को पिघलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्र धातु तांबे तथा जिंक है। इतना किसको पिघलाया जा रहा है दोस्तों? तो जिंक की पिघलाया जा रहा है। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि जिंक की मात्रा कितनी है। तो जिंक की मात्रा के लिए अनुपात में जो जिसको पूछता है उसका पहले आप लिख देते हैं। तो जिंक का पूछ रहा है तो अनुपात में जिंक के लिए हो जाएगा, तांबे के लिए हो जाएगा, लिख दिए। इसका हर बनाने के लिए ध्यान से देखिएगा कैसे हम बनाते हैं। 24 की ग्रह क्या पूछा है? तांबे का। तांबे को दे दिया 24 की ग्रह, तो जिसका दिया रहता है जो यूनिट, जो मान दिया रहता है उसी को नीचे रखते हैं। तो 9 इसका तांबे का है तो 9 नीचे होगा 24 मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा आपका। देखिए चार चौक 16, छः हाथ में आ जाएगा, चार दूना आठ, आठ एक नौ, छियानवे या पाँच नौ, तो न ये आ जाएगा 9 × 9 और 0 6 / 9 kg।
तो 10 से ही 6/9 केजी जो कीड़ा मिलाया जाता है क्या, जिंक पिघलाया जाता है, तो इनका अनुपात 9:4 हो जाता है। तो इतना कंफर्म हो गया, इसको और छोटा कर लेंगे तो हो जाएगा 2 3 6, 3 2 6, 3 3 9, तो हो जाएगा 10 से ही 2/3 कीड़ा, 10 से ही 2/3 की ग्राम मिलाया जाता है क्या, तो जिंक को पिघलाया जाता है, तो जिंक की मात्रा कितनी होगी, 10 से ही 1/3 की ग्राम हो गया, 24 की ग्राम आपको दिया है तांबे के साथ, तो कंफर्म हो गया, एम कंफर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कोई धनराशि ए बी तथा सी के बीच 2 संबंधी 5 संबंधी 9 के अनुपात में बांटी गई है, यदि ए का भाग 2500 रुपये है तो कुल धनराशि कितनी है। तो यहाँ पे कुल धनराशि के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ए बी और सी का जो अनुपात है सबको ऐड कर लेंगे, कुल धनराशि की बात कर रहा है, तो कुल धनराशि के लिए पहले आप क्या करेंगे, इनके अनुपात को ऐड कर लेंगे, तीन के अनुपात को ऐड करेंगे तो 2+5+9 हो जाएगा, और नीचे वही फंडा अपनाना है जिसका भाग दिया रहता है उसके अनुपात को नीचे डिवाइड करते हैं। ए का भाग दे दिया है 2500 और ए का जो अनुपात है 2 है, 2 से इसमें डिवाइड कर दिए, 2500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं आपको ऐसे इसलिए बता रहा हूँ इतना बेसिक कि जब इस छोटा छोटा सीख लेंगे ना तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन बनेगा आप उसको चुटकी में सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों अगर हाई लेवल से क्वेश्चन सीख लेंगे तो बेसिक नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। आप सीढ़ी जब चलते हैं तो धीरे धीरे चढ़ते हैं ना, हाई लेवल नहीं जाते हैं, तो वैसे ही मैं बेसिक से लेकर चल रहा हूँ हाई लेवल पर से, बस आप धैर्य रखिए, धैर्य रखेंगे सब कुछ हासिल हो जाएगा। यहाँ पे ए का भाग दे दिया तो ए का जो अनुपात है उसको नीचे रख दीजिए, ए के मान से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 9 5 14 15 16/2 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2500 और 2 8 16 8 हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 8 5 40 के सुने तो मैं 4 2 8 2 16 4 20, तो यहाँ पे 20,000 रुपया जो है दोस्तों, 20,000 रुपये कुल है, कुल कितने रुपया, तो कुल 20,000 रुपया जिसमें से ए का भाग 2500 है। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या, वो भी बहुत मस्त इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इसको भी कैसे सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान केंद्रित करके। कह रहा है एक निश्चित धनराशि 3 व्यक्तियों के बीच 4 संबंधी 6 संबंधी 9 के अनुपात में बांटी गई, यदि अधिकतम धनराशि न्यूनतम धनराशि से कितना और 1000 रुपये अधिक थी तो कुल धनराशि कितनी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से देखिएगा ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए एक निश्चित धनराशि 3 व्यक्तियों के बीच 4 संबंधी 6 संबंधी 9 के अनुपात में बांटी गई, ठीक है, अधिकतम धनराशि किससे, न्यूनतम धनराशि 1000 रुपये अधिक है, तो कुल धनराशि की जब बात कर रहा है, जब कुल की बात कर देना तो ऊपर का जितना दिया रहता है अनुपात उनको ऐड कर लेते हैं, हर अंश वो हो जाता है, कुल धनराशि की जहाँ बात की तो अंश को ऐड कर लेते हैं, सब अनुपात को अंश हो गया। अब आपको हर बनाना है, हर कैसे बनाना है ध्यान से देखिएगा, अधिकतम धनराशि न्यूनतम धनराशि 10,000 और 1,000 अधिक है, इसका मतलब जो अधिकतम धनराशि है न्यूनतम धनराशि जो है उससे 1,000 अधिक है, तो अधिकतम धनराशि जो है उसमें से अगर न्यूनतम धनराशि को माइनस कर देंगे तो आपको 1,000 रुपये अधिक पता चल जाएगा, ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब यही ना है, मान लिया अधिकतम न्यूनतम धनराशि 500 रुपये है तो अधिकतम धनराशि आपको 1500 हो जाएगा, अधिकतम धनराशि 1500 हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कितनी अधिक है, तो 1500 में से माइनस करेंगे 500 तो 1,000 रुपये अधिक है, इसका मतलब इसमें माइनस करने की बात कर रहा है, सब मिला जुला के माइनस की बात कर रहा है, समझ में आया। अब समझ में आया, तो अधिकतम जो धनराशि है इसका रेशियो क्या है दोस्तों, तो अधिकतम धनराशि की रेशियो 9 है, क्योंकि अधिकतम तो यही है रेशियो में। अब न्यूनतम धनराशि की रेशियो क्या है, 4 है, क्योंकि न्यूनतम है यही, तो न्यूनतम है, अधिकतम तो 9 है, न्यूनतम क्या, न्यूनतम सबसे कम 4 है, अब इनको माइनस कर दीजिए, 9 - 4 कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 1000 से, कंफर्म हो गया ना। ऐसे जब क्वेश्चन बनता है तो जब पूछ दे कि इनका योग क्या होगा कुल, तो उनको पहले उनके अनुपात को अंश में ऐड करके लिख देते हैं, हर कैसे बनाते हैं तो जो दिया रहता है उसे हर बना लेते हैं, 9 6 15 4 15 4 19 और नीचे हो जाएगा 5 और इंटू हो जाएगा 1000, 5 2 10 200 और 9 2 18 19 19 19 2 38 होता है, 3800 रुपया जो है दोस्तों, 3800 आ गया, 3800 क्या दोस्तों, 3800 कुल धनराशि है, कितनी धनराशि, 3800 रुपया धनराशि है, 3800 रुपया कुल धनराशि है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या, अभी बहुत मस्त इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ध्यान देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे अगर इनका फ्रैक्शन में अनुपात दे देते तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक बचत का 486 रुपये को अपने 2 पुत्रों और 1 पुत्री में 1/4 1/5 1/3 के अनुपात में व्यक्त करता है, तो पुत्री का भाग क्या होगा। इस क्वेश्चन का बताने का मकसद यही है कि दोस्तों जो फ्रैक्शन है इसको सॉल्व करने को आपको बता दूंगा कि इसको कैसे, इसको जो फ्रैक्शन का रेशियो है इसको हम कैसे सिंपल रेशियो में चेंज कर देते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पहले आप फ्रैक्शन का रेशियो लिखिए,
इसको सिंपल रेशियो में चेंज करेंगे तभी सॉल्व होगा। सिंपल रेशियो में सॉल्व करने के लिए इनके जो हर होता है ना, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो चार पाँच और तीन का क्या हो जाएगा दोस्तों, लसा। चार पाँच और तीन का लसा, जब इनका लसा आप ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा साठ। देखिए चार पच्चीस बीस तिहाई साठ, इनका साठ लसा आ गया, ठीक है। अब सब में साठ से मल्टीप्लाई कीजिए तो वन अपान फोर इंटू जब साठ करेंगे तो ये आ जाएगा चार इक्यानवे चार, चार पच्चीस बीस पंद्रह, पंद्रह आ गया। वन अपान फोर बराबर पंद्रह आ गया। वन अपान फाइव बराबर जब ज्ञात करेंगे तो साठ से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाँच इक्यानवे पाँच और पाँच दूना दस बारह, वन अपान फाइव बराबर बारह आ गया। अब वन अपान थ्री के ज्ञात करने के लिए साठ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो तीन दूना छः, ये आ गया आपका बीस। सिंपल फार्म में आप इसको लिख सकते हैं पंद्रह रेशियो बारह रेशियो बीस। क्या किया ध्यान से देखिएगा, फ्रैक्शन जब दिया है तो सिंपल में बदलने के लिए इनका जो नीचे का हर होता है उनका आप एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम 60 आ गया। 60 से सब में अलग अलग मल्टीप्लाई करके आप ज्ञात कर लेंगे तो ये आ गया आपका रेशियो। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन है, पुत्री का भाग क्या होगा, तो पुत्री का अनुपात आपका 20 हो गया तो 20 लिख दीजिए और कुल को ऐड कर दीजिए, 15 प्लस 12 प्लस 20 इंटू अब क्या कर दीजिए 846 दिया, 46 कर दीजिए 846। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 20 और नीचे आ जाएगा आपका 47 और इंटू 846, इससे जब इसको काटेंगे तो 18 बार में जाएगा और 18 दुना आ जाएगा आपका 36। 360 रुपया आपका क्या हो गया दोस्तों, पुत्री का भाग हो गया। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि जब फ्रैक्शन में तो आप एलसीएम निकाल के उसको सिंपल उसमें रेशियो में चेंज कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा, मैं कोशिश किया समझाने के लिए, अगर फिर भी समझ नहीं तो वीडियो के बराबर देखिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कोशिश कीजिए समझने के लिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर वीडियो पसंद है दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके आप बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं, पसंद आया है कि नहीं। चैनल पर नए अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब करके बगल बेल आइकन देखिएगा, बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो शुरू होने से पहले टाइम टेबल मिल गया है कि जीके का कब होता है क्लास, इंग्लिश की क्लास कब होती है और मैथ की क्लास कब होती है, तीनों क्लास आपको मिल जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से और वीडियो मिस नहीं होगा। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आप शेयर करेंगे तो किसी हर बच्चे के पास पहुंचेगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें भी सपोर्ट मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा अच्छा अच्छा कंटेंट देने के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर बच्चे के पास पहुंच सके, किसी को प्रॉब्लम ना हो। तब के लिए जय दोस्तों, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे धमकदार टिक के साथ, बने रहिए फीके स्टडी प्लेटफॉर्म के साथ।